जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज 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 जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह है बहुत ही दुख दुख का विषय, बहुत ही शोक का विषय है। तो आप आज जिस विषय पर वो चर्चा कर रहे हैं वह है हमारे जो है ना सो देश के है ना सो एक कॉमेडी किंग थे, बहुत बड़े हास्य कलाकार, कॉमेडी किंग है ना, तो जिनका नाम था राजू श्रीवास्तव। तो उनका है ना सो दुखद है ना सो ये है ना सो मृत्यु हो गई है। तो वो है ना सो ये दिल्ली एम्स में है ना सो भर्ती थे, इलाज करवा रहे थे। तो ये हमारे देश के एक है ना सो सबसे मशहूर कॉमेडियन है, जो स्टैंड अप कॉमेडी शो होता है, तो बहुत ही बड़े हास्य कलाकार जिन्होंने है ना सो करोड़ों लोगों को, भारत ही नहीं, भारत के आस पड़ोस में भी जो है ना सो हिंदी भाषी हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, हर जगह इनका कॉमेडी शो, स्टैंड अप कॉमेडियन थे राजू श्रीवास्तव। तो ये काफ़ी मशहूर थे, और लोग है ना इनका इनका ना जो कॉमेडी है तो काफी है ना सो जमीन से जुड़े व्यक्ति थे, बहुत ही साधारण घर परिवार, बहुत ही साधारण घर परिवार, एक मिडिल क्लास जो है ना वातावरण में इनका जन्म हुआ था। फिर वहाँ साधारण घर से बहुत ही ऊंचे उठे और बहुत ही बड़े है ना हास्य कलाकार बने। तो इनका है ना सो एकदम है ना सो जमीन से जुड़ा बात बोलते थे, एकदम कॉमन आदमी का बात, जो गांव देहात का होता है, मिडिल क्लास में, ये जो है ना सो शहर होता है, मिडिल क्लास फैमिली, सबका बात भी बोल के है ना सो एक ऐसा है ना सो कॉमेडी का ताना बाना बुनते थे, जिससे कि लोग काफी लोटपोट हो जाते थे हंसते हंसते। तो ये है ना सो काफी मशहूर था इनका, काफी है ना सो चर्चित व्यक्ति थे। और तो इनका है ना सो बहुत ही दुखद ये हो गया कि बहुत ही कम उम्र में, मात्र 58 साल की उम्र में इनका है ना सो मृत्यु हो गया। तो ये इनके बारे में ही आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ये राजू श्रीवास्तव कौन थे। तो मित्रों दोस्तों, ये जो राजू श्रीवास्तव है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था। तो ये है ना सो कानपुर शहर में एक बहुत ही साधारण घर से, एवरेज फैमिली जो थे, इनके पिता कवि थे, तो वहीं हुआ था। इनका जन्म किस में, कायस्थ, एक है ना सो कायस्थ परिवार में हुआ था, और वहीं पे इनका पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा सब कानपुर में हुआ। तो स्कूल में ही क्या क्या होता था, इनको है ना सो मिमिक्री करने का आदत होता था। तो अपने टीचर लोग का, शिक्षक लोग का, आस पड़ोस अगल बगल के लोगों का, या स्कूल में टीचर लोग का भी है ना सो काफ़ी मिमिक्री किया करते थे, जिसके लिए इनको है ना सो काफ़ी है ना कभी कभी है ना डांट भी सुनना पड़ता था। लेकिन ये है ना सो ये एक है ना इतना अच्छा ये है ना सो मिमिक्री करते थे, तो इसी में इनका है ना सो आगे चल के ये रुझान हुआ कि जब इतना अच्छा ये मिमिक्री करते हैं तो है ना सो बॉलीवुड में जाके कुछ हाथ ये आजमाया जाए, जिससे कि है ना सो इनका है ना सो काफ़ी और भी नाम हो। तो इस तरह वो ग्रेजुएशन करने के बाद, कानपुर से ग्रेजुएशन करने के बाद, फिर उसके बाद क्या बम्बई का रुख किए। तो बम्बई में जब गए तो है ना सो इनको है ना काम नहीं मिल रहा था, काम नहीं मिल रहा था, तो इसके बाद क्या किए कि छोटा मोटा नुक्कड़ नाटक ये सब होता है, तो उसमें छोटा मोटा रोल करने लगे। तो इनके इनको एक खासियत था कि ये ना सो मिमिक्री करते थे, तो है ना मिमिक्री जब करते थे तो है ना सो अमिताभ बच्चन की मिमिक्री बहुत ही अच्छा ढंग से करते थे, इतना अच्छा ढंग से हूबहू मिमिक्री करते थे कि लोग है ना सो देख के आश्चर्य चकित हो जाते थे। एक बार अमिताभ बच्चन भी है ना सो काफ़ी है ना सो ये है ना सो आश्चर्य चकित हो गए कि इतना बढ़िया है ना सो ये है ना सो अमिताभ बच्चन का आवाज़ निकलता है, मिमिक्री करता है। तो है ना सो काफ़ी लोग इनके है ना सो इनके आसपास अगल बगल के लोग काफ़ी इनसे प्रभावित हुए कि बहुत है ये अच्छा मिमिक्री करता है, और छोटा मोटा नुक्कड़ नाटक इस समय रोल मिला। फिर है ना और भी इससे जब गुजारा नहीं चलता था तो क्या करते थे कि है ना सो ऑटो रिक्शा ये सब भी चलाते थे, ऑटो भी चलाते थे, रिक्शा भी चलाते थे, और है ना सो ये है ना सो अमिताभ बच्चन की आवाज़ में, या और भी एक्टर सब ये सब की आवाज़ में, जो भी उनके है ना सो ऑटो रिक्शा इस सब में जो आता था, चढ़ने आता था कस्टमर सब, ग्राहक सब, तो उसको उसी है ना सो आवाज़ में बात करते हैं ना, मिमिक्री करते थे बॉलीवुड के एक्टर इस सब का। तो इसी में है ना सो एक दिन क्या हुआ कि एक आदमी को लगा कि इसमें राजू से एक है ना उनका ग्राहक था, कस्टमर था, तो उनको लगा कि इसमें काफ़ी प्रतिभा है, तो इसको है ना सो किसी है ना फिल्म इंडस्ट्री में है ना कोई है ना एक्टर, कुछ लोग जो है ना सो काफ़ी नामी चामी नामचीन जो है ना सो जैसे डायरेक्टर हुआ, प्रोड्यूसर हुआ, इस सबसे जाके मिलवाए, और फिर इसके बाद है ना सो इनको धीरे धीरे फिल्मों में उसके बाद काम मिलना शुरू हुआ। तो शुरू में है ना सो फिल्म में भी का जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन थे, तो इन्होंने है ना सो बहुत ही है ना सो जैसे ग्रेट द ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज, तो ये टीवी पर शो होता था जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो, तो इसमें भाग लिया, इसमें भी ना काफ़ी अच्छा लोगों को हंसाया, काफ़ी पॉपुलर था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। और जैसे कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी सर्कस तो है ना सो इनका है ना सो ये है ना टीवी पर शो आता था कॉमेडी सर्कस, तो इसमें भाग लिया। देखिए कपिल शर्मा शो, तो इसमें भी है ना सो अपना है ना काफ़ी जलवा दिखाया। फिर बिग बॉस में भी बिग बॉस में भी है ना सो ये प्रतिभागी थे,
तो इस तरह तो थे ही। और फिल्म में भी इनका शुरू में काम मिला, तो शुरू में जब है ना सो इनका काम मिला तो है ना सो तेजाब फिल्म में इनका है ना सो छोटा मोटा शुरू में रोल मिला, तो एक तेजाब फिल्म में एक छोटा मोटा कॉमेडियन का रोल मिला। फिर आगे चल के बाजीगर फिल्म में भी काम किए, शाहरुख खान के साथ काम किए, अनिल कपूर के साथ काम किए, फिर ऋतिक रोशन के साथ भी फिल्मों में काम किया। ऋतिक रोशन के साथ मैं प्रेम की दीवानी हूँ, फिर है ना एक बहुत ही अच्छा है ना सो फिल्म था, हंसी मजाक का फिल्म था बॉम्बे टू गोवा, तो बॉम्बे टू गोवा फिल्म में भी है ना इनका काफ़ी है ना सो बहुत ही अच्छा एक्टिंग था, तो उसमें बॉम्बे टू गोवा में काम किया। आमदनी अठन्नी अठन्नी खर्चा रुपया ऐसा ऐसा फिल्म में काम किया, तो अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, गोविंदा, ऋतिक रोशन, तो है ना बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया, उनके फिल्म में काम किया, काफ़ी बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया, हास्य भूमिका, हास्य कलाकार की भूमिका निभाया, तो लोग इससे काफ़ी है ना सो इनका अनसो कॉमेडी सुन के तो लोटपोट ही हो जाते थे, इतना इनका पूरे भारत के लोग, यही नहीं भारत विदेश में भी इनका इनका काफ़ी अनसो प्रशंसक ये सब होता था, पाकिस्तान में इनका कॉमेडी का इतना था, और एकदम जमीन से जुड़ा बात करते थे, और नेताओं की भी मिमिक्री करते थे, जैसे कि लालू प्रसाद यादव, तो लालू प्रसाद यादव की बहुत ही बढ़िया ढंग से मिमिक्री करते थे, मुलायम सिंह यादव का, अमिताभ बच्चन का, ये पॉलिटिशियन ये सब का जो है ना सो जो फेमस उत्तर भारत में, हालांकि इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था, तो हिंदी पट्टी के थे ही, तो है ना सो बिहार यूपी का इनमें है ना सो बात जो है ना सो जो गांव बिहार यूपी के गांव देहात में जो एवरेज लोग होता है जो बात करता था यही सब होता था, तो इनके कॉमेडी में होता था गजोधर गजोधर, तो ये देखिए ऐ गजोधर इधर आओ, ऐ तिवारी इधर आओ, ऐ शुक्ला इधर आओ, ऐ जादव ऐसे ऐसे करके ना इनका ये है ना सो कॉमेडी करते थे, तो लोग इससे है ना सो काफ़ी लोटपोट हो जाते थे। लालू यादव की तो खास के काफ़ी मिमिक्री करते थे, मुलायम सिंह यादव का, तो ये इस तरह इनका में काफ़ी प्रतिभा था, लोग है ना इसमें है ना सो काफ़ी है ना सो लोटपोट हो जाते थे, हंसते हंसते इनका है ना सो पेट खुल जाता था, इतना है ना इनका था, और है ना सो कॉमेडी इनको किंग कहा जाने वाला स्टैंड अप कॉमेडियन, तो ये था कि काफ़ी इनका है ना सो प्रशंसक हो गया था पूरे देश में, और काफ़ी साधारण बहुत ही साधारण है ना सो परिवेश में इनका जन्म हुआ, और है ना सो उसके बाद वहाँ से निकल के इतना है ना ऑटो रिक्शा चलाए, छोटे मोटे नुक्कड़ नाटक में काम करके है ना सो इतना प्रसिद्धि पा गए कि है ना सो फिर बाद में है ना सो जब इतना प्रसिद्धि होने के बाद है ना सो इन्होंने पॉलिटिक्स का विरुख किया, समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किए, फिर उसके बाद है ना इनको भारतीय जनता पार्टी में एंट्री मिल गया, तो इस तरह ना पॉलिटिक्स में भी हाथ हथवाया, तो ये ना एक है ना सो पॉलिटिशियन भी इनको कहा जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनका काफ़ी अच्छा संबंध था, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ, इनसे काफ़ी इनका करीबी रिश्ता नाता था, योगी जी हो या चाहे अमित शाह हो, तो ये बड़े बड़े नेता जो नेता हैं उनसे काफ़ी इनका करीबी का रिश्ता था, अमिताभ बच्चन जैसे लोग से जो फिल्म जो है ना महानायक है तो उनसे भी काफ़ी इनका अच्छा था, और इनका ना सो आपकी अदालत में भी कितना बार है ना सो आए हैं, तो इस तरह से इतना है ना कॉमेडी किंग है ना जो कहा जाता है उनका था, तो इसका उम्र ज़्यादा नहीं था, तो और है ना सो ये ना सो इनको है ना तो क्या था कि है ना सो ये है ना हार्ट का कुछ कॉम्प्लिकेशन था, हार्ट का कुछ कॉम्प्लिकेशन था, स्टेम सेल ये सब लगा था, लेकिन है ना बहुत ही कम उम्र था, दिल्ली गए थे तो वहाँ पर ना जिम में वर्कआउट कर रहे थे, तो किस में वर्कआउट कर रहे थे, ट्रेडमिल, तो जिम में है ना सो ये जो ट्रेडमिल होता है उस पर ना ऐसे ऐसे वर्कआउट कर रहे थे, तो उसी में इनका है ना हार्ट अटैक हो गया, उसके बाद ना उसके बाद हार्ट अटैक हुआ 10 अगस्त की बात है, 10 अगस्त की बात है, और उसके बाद हार्ट अटैक हुआ तो उसका एम्स में इनको ले गया गया, तब से ना एम्स में ही थे, एक तरह से है ना सो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे, तो ये है ना सो उस लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो होता है उस पर थे, वेंटिलेटर पर थे, और है ना सो लगभग 40-42 दिन तक है ना सो इसी अवस्था में थे, अचेत अवस्था में थे, इधर कुछ दिन पहले होश भी आया था तो अपनी पत्नी से कुछ बात किए थे, काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, दुबले पतले होते हो गए थे, तो है ना एक तरह से ब्रेन डेड का स्थिति था, उम्र कोई ज़्यादा नहीं था, 58 ईयर्स ओल्ड कोई बहुत ज़्यादा तो उम्र नहीं होता है, अभी आडवाणी जी है ना जिंदा है तो 93 ईयर्स ओल्ड के हैं, उनके सामने इनका उम्र क्या, अभी जाने का उम्र नहीं था, हंसाने का उम्र था, तो है ना सो इनका आज इनका मृत्यु हो गया, तो काफ़ी कम उम्र में हो गया, तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे, इनके साथ पीछे छोड़ गया इनकी पत्नी है, तो वाइफ है, पत्नी का नाम है सीखा, तो पत्नी है, एक बेटा है आयुष्मान, और एक है ना बेटी है अंतरा, तो है ना काफ़ी ना शोक संपत्त परिवार है, तो उनको है ना सो संवेदना प्रकट करना चाहिए, पत्नी का है ये सीखा है, आयुष्मान है, अंतरा है, इनका ना सो कल है ना सो अंतिम संस्कार होगा, दिल्ली में ही होगा, राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार दिल्ली में होगा, निगम बोध घाट पर, वहीं पर इनका अंतिम संस्कार होगा,
तो ये है ना, इसमें लोग जाएंगे, संवेदना व्यक्त करेंगे। शोक संपत परिवार है जो भारत के इतने मशहूर कॉमेडियन थे और एक बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत ही अच्छे दिल के, बहुत ही साफ सुथरे पवित्र आदमी थे। तो इनका है ना, सभी लोग ने है ना इस पर दुख व्यक्त किया, जैसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति ने भी काफ़ी इस पर शोक व्यक्त किया है। अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर जो फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा बड़ा लोग है, शेखर सुमन, मनोज वाजपेयी, ये फिर उसके अनिल कपूर, गोविंदा से लेकर हम सभी ने है ना सो ये होता है। अमिताभ बच्चन ने तो है ना जब है ना सो वेंटिलेटर पर थे तो उसमें भी है ना फोन से है ना सो इनको है ना बात अमिताभ बच्चन का हुआ था, लेकिन तो बेहोश थे तो है ना सो नहीं, लेकिन से है ना सो अमिताभ बच्चन ने आग्रह किया था कि आप उठिए, दौड़िए, स्वस्थ हो जाइए। तो ये इतना इतना इनका बड़े शख्सियत थे कि अमिताभ बच्चन ने फोन से बात किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी पत्नी को, बेटा को, बेटी को अपने प्रधानमंत्री आवास में बुलाया, बुला के ये राजू श्रीवास्तव का पूरा हाल चाल पूछा और ये उम्मीद जाहिर की कि ये जल्दी से स्वस्थ हो जाएंगे। तो इतना इनका है ना सो नाम था और है ना काफ़ी देश के लोग काफ़ी दुखी है कि इतना कम उम्र में चले गए। खास के हिंदी पत्ती के थे तो बिहार यूपी के लोग तो काफ़ी है ना सो इसमें दुखी है। अभी गजोदर भैया तो है ना सो एकदम जो होता है गजोदर भैया कितना पॉपुलर हो गया था, ए तिवारी, ए शुक्ला, ए यादव, ए मिश्रा, तो ऐसे ऐसे करके बोलते थे और है ना सो काफ़ी इनका ये था। तो काफ़ी दुख का माहौल है। अब है ना उत्तर प्रदेश असेंबली जो होता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में तो 2 मिनट का है ना सो मौन रखा गया है। जब इनका मृत्यु हो गया तो इसमें शोक में है ना क्या हुआ, उत्तर प्रदेश जो विधानसभा उसमें 2 मिनट का मौन इसमें रखा गया है। उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे। तो ये सब तो हो गया है। अब है ना सो तो ये सब है, कानपुर के थे, कानपुरी थे। तो देखिए ये सब तो हो ही गया है, लेकिन है ना सो ये इनका हार्ट का तो कॉम्प्लिकेशन था ही, लेकिन ना सो ये जो जिम में है ना वर्कआउट कर रहे थे और ट्रेडमिल जो होता है उस पर चल रहे थे उसी समय इनका हार्ट अटैक आया। तो आप जानते हैं कि आजकल ना सो जिम में है ना सो जो है ना सो जो है ना वर्कआउट कर रहा है तो बराबर न्यूज आता है बॉलीवुड से, खासकर सेलिब्रिटी लोग है ना इसे कि जिम में वर्कआउट कर रहा है और उसी समय हार्ट अटैक आएगा। जैसे कि सौरभ गांगुली है तो उसको भी है ना जिम में वर्कआउट कर रहा था, जिम में वर्कआउट कर रहा था उसी समय उसको सौरभ गांगुली को भी है ना सो हार्ट अटैक हो गया। फिर कुछ दिन पहले आप सुनते हैं कि है ना टेलीविजन कलाकार थे सिद्धार्थ शुक्ला हुआ, या फिर उसके बाद है ना सो ये था सिद्धार्थ शुक्ला, उसका भी है ना सो जिम में भी है ना काफ़ी है ना बॉडी वॉडी बनाता था तो उसका हार्ट अटैक हो गया। फिर है ना साउथ का एक बहुत ही बड़ा एक्टर था ना सो जो राजकुमार करके ना साउथ का एक्टर था, तो वो भी है ना सो 45 साल का उम्र था, मतलब तो बहुत ही अच्छा बॉडी बिल्डिंग ये सब जिम में वर्कआउट करता था, तो उसी समय उसको हार्ट अटैक हुआ, मर गया। सिद्धार्थ शुक्ला उसी तरह बॉडी बनाने के चक्कर में जिम में ऐसे ही मर गया। फिर आप जाते हैं कि ये कृष्ण कुमार कुन्नत, तो ये ना के जो सिंगर मशहूर सिंगर था के, तो ये भी काफ़ी मशहूर सिंगर था, तो है ना कोई उम्र ज़्यादा नहीं था, 50 साल ही उम्र था, लेकिन ये भी बॉडी बिल्डिंग करता था, जिम में वर्कआउट करता था, उसी में है ना सो जब स्टेज शो कर रहा था उसी समय इसका इसी साल का बात है, ज़्यादा पुराना बात नहीं है, केके का भी है ना सो हार्ट अटैक होता था, सब है ना जिम में जाता था, बॉडी बिल्डिंग करता था, पेट पचकाव ये सब हुआ। और उसके बाद अभी भी है ना टेलीविजन का एक मशहूर सीरियल है भाभी जी घर पर है, तो भाभी जी घर पर है तो उसका भी एक है ना सो एक कॉमेडियन था, एक है ना सो एक्टर है, तो कुछ दिन पहले 2-3 महीना पहले का बात है कि वो भी है ना जिम में काफ़ी वर्कआउट करता था तो उसको भी हार्ट अटैक हुआ, मर गया मात्र 40-45 साल में उम्र में। भाभी जी घर पर है उसका जो एक्टर था जो है ना कॉमेडियन था, तो वो भी है ना सो उसी से वो भी है ना जिम में वर्कआउट काफ़ी करता था, आया और उसके बाद है ना सो वहीं पर गिरा, वहीं पर मर ही गया। तो देखिए इस तरह है ना सो देखिए कितना है, सौरभ गांगुली के साथ भी यही हो गया, ये जिम में जाता है। इसी तरह एक है ना सो मिस्ट्री नाम की अभिनेत्री थी जो सुभाष घई की फिल्म में काम करती थी, तो है ना सो वो है ना जिम में काम कर रही थी, जिम में जब वर्कआउट कर रही थी तो पता नहीं क्या उसकी किडनी उडनी पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो उसको फिर बाद में डायलिसिस कराना पड़ा, फिर किडनी की मरीज हो गई, अब उसके बाद है ना सो वो फिर मर ही गई। तो देखिए इस तरह है ना सो जिम में है ना सो जो जाता है, हमारा जो पारंपरिक जो है ना सो हमारा देश है, हम लोग के देश में जो है ना सो पौराणिक लोग ये काल से जब चला आ रहा है कि लोग है ना सो सूर्य नमस्कार करते हैं, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भस्त्रिका, ये सब करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो इसका ना शरीर पर उतना निगेटिव असर नहीं पड़ता। ये ट्रेडमिल पर चलता है, जिम में जाता है, बॉडी बनाता है, बाहरी चीज़ को है ना इतना भारी भारी सामान उठाता है, ऐसे ऐसे खींचता है, जिम में जाके खींचता है, तो इसका छत पर हार्ट पर ये सब पर काफ़ी खराब होता है। और ट्रेडमिल इस सब पर ना चलता है तो उसको क्या होता है, उसी में हार्ट अटैक पड़ता है। ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है, घर में है ना सो ट्रेडमिल लग रही है, दौड़ रहा है, और छाती का नस फट जाता है, और उसी में ना नस उस फट गया तो उसी में हार्ट अटैक हो गया, वहीं पर है ना सो
मर जाता है। तो ये काफ़ी ख़राब चीज़ है। ये युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि है ना सो बाहरी सुंदरता पर ध्यान देने से अच्छा है कि भीतरी है ना सो भीतर तौर पर अपने को मजबूत करे। तो उसके लिए योग करे, प्राणायाम करे, सूर्य नमस्कार करे, थोड़ा पैदल जोड़े तो ये हो। काफ़ी ज़्यादा ना जिम में और वर्कआउट करना, भारी भारी चीज़ उठाना, ऐसा एक्सरसाइज जो है जिसका उसका है ना सो हार्ट पर प्रेशर पड़ता है, किडनी पर, लीवर पर, ब्रेन पर प्रेशर पड़ता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है। तो ऐसा चीज़ करने से है ना सो जब इतना केस आ रहा है तो ये सब चीज़ नहीं जाना चाहिए। युवा पीढ़ी को खास करके समझना चाहिए कि 40 साल में हार्ट अटैक हो रहा है, 45 साल में, 50 साल में, ये सब किस लिए होता है। और ज़्यादातर केस जिम में ये होता है, उसका बैकग्राउंड जाइएगा तो जिम में वर्कआउट करता था एक एक घंटा, दो दो घंटा। तो ये काफ़ी खतरा वाला चीज़ हो चुका है, इसको अवॉइड करना चाहिए। अपना जो पारंपरिक है, पौराणिक है, हमारा बाबा रामदेव का योग पढ़ना वही करे, वो थोड़ा पैदल चले, खाने पीने पर ध्यान दे। तो है ना सो आप जानते हैं खेत में जन मजदूर लोग खुरपी लेके काम करता है, घास काटता है, तो मेहनत करता है, तो उन लोग का तो पेट तो एकदम पचका रहता है। कहाँ किसी का जो मेहनत करता है किसान फार्मर ही लोग, उन लोग का पेट एकदम पचका रहता है, कहाँ पेट निकलना रहता है। तो मेहनत करने वाला का ये होगा, आप जिम में जाके ऐसे कर दें। भाभी जी घर पर है का जो कॉमेडियन था तो वो इतना जिम में वर्कआउट करता था, फिर क्रिकेट खेलता था और सीधे वहीं पर गिरा, बेहोश हो गया, मरिए गया, कम ही उम्र था। तो ये सब पूरा आ रहा है कि जो केस हो रहा है तो इसको अवॉइड करना चाहिए। तो हम लोग तो हमारे देश को हम लोग को काफ़ी क्षति पहुँची कि अब ऐसा हास्य कलाकार कॉमेडियन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये काफ़ी दुख की बात है। तो इसलिए हम लोग पूरा उनके दुख के समय उनके पूरे परिवार को, उनका बेटा बेटी जो हो उसको सुख संपन्न परिवार को काफ़ी संवेदना सांत्वना देना चाहिए, और इस समय दुख की घड़ी में उनका ना सो सांत्वना देना चाहिए, और हम भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि उनकी आत्मा को शांति दे। और है ना सो जिम उम में नहीं जाइए, जिम उम में जाइएगा बड़ा खतरा चीज़ है, सौरभ गांगुली को हार्ट अटैक हो गया, इसलिए जिम उम जाने से बचिए। बाहरी सुंदरता नहीं है, अपना है ना सो योग कीजिए, प्रणाम कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, ये सब कीजिए, सेफ चीज़ कीजिए, कपाल बातें कीजिए, आराम से धीरे धीरे नारी शुद्धि प्रणाम कीजिए। इससे होता है शरीर कोई निगेटिव चीज़ नहीं होता है, बेमतलब का चीज़ है ना जिम में भारी भरकम चीज़ उठा के हार्ट फेल हो जाएगा, लकवा मार देता है, तो ये सब चीज़ से बचिए। ठीक है, तो आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।